आइए एक और क्वेश्चन करते हैं लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 1/2 mv2 mgh चेक whether this equation is dimensionally consistent or not इस वीडियो को पॉज करें उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें ये रहा इसका सॉल्यूशन टू चेक द डाइमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डाइमेंशंस निकालने हैं हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन मतलब डायमेंशन ऑफ हाफ इंटू डायमेंशन ऑफ एम इन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर हाफ एक लेस चीज़ होती है मास का डायमेंशन एम होगा वी स्क्वायर का डायमेंशन मतलब एल टी माइनस वन जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है का स्क्वायर तो यहाँ पे आप हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशन आ गया एम वन एल टू टी माइनस टू फॉर द डायमेंशन ऑफ आर एच एस एम जी एच का डायमेंशन निकालेंगे मतलब मास का एम जी यहाँ एक्सेलरेशन एक्सिलेशन टू ग्रेविटी है एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर तो एल टी माइनस टू इन टू एच एच यहाँ पे हाइट है तो एल आ गया तो आप देखते हैं ये भी आ गया एम वन एल टू टी माइनस टू जो कि सेम है एज डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड हेंस वी कैन से इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट